तो अभी हम सायला के साथ बैठे हुए हैं। तो सायला जी, आप सबसे पहले तो अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। बीकॉम फर्स्ट ईयर फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। तो सायला, आपकी एज क्या है? मैं 18 इयर्स ओल्ड हैं और आप जॉब कर रहे हैं। हाँ, कंपनी का नाम बता दीजिए। स्टार सेफ्टी हब। स्टार सेफ्टी हब, तो आप ऐसी कंपनी में जॉब आप कर रहे हो, तो आपने जो हमने सिखाया है क्या वही चीज़ें आती हैं वहाँ पे या कुछ अलग होता है? वही चीज़ें आती हैं सारी। सेम सारी चीज़ें वही आती हैं, मतलब जो हमने आपको पढ़ाया वही सारी चीज़ें आपको आगे जाके करना होता है रियल लाइफ में। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप पढ़ते थे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा था यहाँ पे या कोई प्रॉब्लम आई आपको? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप जब आप पढ़ते थे तो वो जो चीज़ें आपको सिखाई गई वो ऐसा लगता नहीं था कि आप जल्दी भूल जाओगे ऐसा कुछ? नहीं, वो जब चीज़ें इतनी अच्छे से सिखाई गई हैं कि भूल ही नहीं सकता इंसान। चलिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जब चीज़ें अच्छे से समझ जाते हैं और हम किसी चीज़ को रटते नहीं हैं तो हमें वो चीज़ें याद करना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, आप इतनी कम एज में आपको GST आ गई? हाँ जी। अच्छा, आपके जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 18 साल की एज में इस टाइम पे GST हमसे कंप्लीट कर चुके हैं और जॉब भी कर रहे हैं। तो सायला, आप 18 साल की हो, जब आप कंपनी में गए जॉब के लिए तो वो आपसे आपको उनको भरोसा हो गया कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं? आपका इंटरव्यू कैसा रहा, आप ये बताइए। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, जो आपने सिखाया था वो सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई वहाँ पर, तो मैंने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी, तो उसी बेस पर मेरी जॉब चली। तो इंटरव्यू के 2-3 राउंड तो हुए होंगे? हाँ, जिस दिन इंटरव्यू लिया था उसी दिन मुझे रख लिया गया। तो अच्छा, तो 2-3 राउंड अलग अलग पर्सन, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। तो सायला, आपने हमसे कोर्स किया और आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला, आप जॉब भी कर रहे हो इस टाइम पे, तो आप किसी और को रेफर करना चाहोगे? बिल्कुल, मैं ज़रूर रेफर करना चाहूँगी। मैं तो सोचती हूँ कि मैं अपने छोटे भाई को भी आपके पास ही भेजूँ, क्योंकि जब मैं इतने अच्छे लेवल पे काम कर रही हूँ तो मैं, मेरा भाई भी आगे ऐसी कामयाब हो। चलिए, आपकी एज बहुत कम है, आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, आपकी एज होती जाएगी वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा अकाउंट्स लाइन में और आपकी जॉब और अच्छी होती जाएगी। एक अकाउंटेंट 24 से 25 साल में अपनी कैरियर की शुरुआत करता है, जो एक नॉर्मल एटमोसफेयर होता है, आसपास के लोगों को हम देखते हैं तो वो 24 से 25 साल की एज में स्टार्ट करते हैं। आप 18 साल की एज में एक कंपनी में एज एन अकाउंटेंट जॉब कर रहे हो, तो 25 साल की जब आप एज में जाओगे तो आपको 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, मुझे जितनी नॉलेज है, 7 साल के एक्सपीरियंस में आप बहुत अच्छी जॉब पोजीशन पे पहुँच जाओगे, जो आपके लिए बहुत सफिशियंट होगी और आपके फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत गर्व करने की बात होगी कि 25 साल की एज में आप 7 साल के एक्सपीरियंस को लेके, बहुत बड़ी बात है। चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमने बहुत अच्छी सारी चीज़ें आपको सिखाई और आपने उन चीज़ों को उतनी ही मेहनत करके सीखा और आप आज इस मुकाम पे हो कि आप 18 साल की एज में अकाउंटेंट हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और होपफुली आप और आगे ग्रो करो और बहुत ज़्यादा ग्रो करो।